माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर उपस्थित हमारे इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, हमारे सभी के गार्जियन, हम सभी के गार्जियन पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित माननीय अरुण सिन्हा जी, IMA के अध्यक्ष शालिग्राम जी, माननीय मेरा बैचमेट ब्रजनंदन जी, डॉक्टर सजानंद जी, यहाँ उपस्थित राजेंद्र सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम को इतनी अच्छी रूपरेखा देने वाले और दरिद्र नारायण भोज के रूप में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले वैसे हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्री विवेक ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथी बंधु और सभी हमारे अपने लोग, भारत के लिए यह सौभाग्य है कि अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री हमें मिला और भारतीय जनता पार्टी का भी यह सौभाग्य है कि उनके जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबों को प्राप्त हुआ। उन्हीं के दिशा निर्देश में आज हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसमें उनकी सबसे बड़ी सांगठनिक क्षमता है और एक एक मानव जीवन से जोड़ने की जो उनकी परिकल्पना है उसको साकार भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता करता है और उसी को साकार करने के लिए आज पूर्व संध्या पर सभी दरिद्र नारायण भोज का आयोजन माननीय विवेक ठाकुर जी ने किया है। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और आज हम सब इस हनुमान मंदिर के छा के नीचे बैठे हैं, भगवान उनको शतायु करे और भारत को तरक्की कराने में, भारत के प्रत्येक गरीब को एक अच्छा जीवन देने में, भारत के प्रत्येक युवाओं को रोजगार देने में, भारत के प्रत्येक वरिष्ठ जन को वह अपने इज्जत के साथ जीवन यापन कर सके, इसको करने में, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि माननीय अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सभी को मिलेगा और उन्हीं का सक्षम नेतृत्व है कि आज गरीबों के लिए हम इतना काम करने जा रहे हैं।